राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने विद्युत विभाग से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को लेकर सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन सौंपकर मांगों के निराकरण की मांग की। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि जिले में किसानों के जले ट्रांसफार्मर सूचना मिलने पर 3 दिवस के भीतर विद्युत विभाग के खर्चे पर लाकर उनके ही द्वारा रखे जाएं। अनावश्यक किसी भी कर्मचारी के द्वारा किसानों से पैसे की मांग न की जाए एवं किसानों को खेतों में बिजली की आपूर्ति 24 घंटे में 2 भागों में 4x6 दी जा रही है तो उसमें अनावश्यक कटौती न की जाए और यदि किसी कारणवश उस समय में कटौती होने पर अगली शिफ्ट में जोड़कर पूरी दी जावे। साथ ही किसानों द्वारा गन्ना क्रेशरों की जो TC काटाने राशि जमा की गई थी उसे अभी तक रीडिंग के हिसाब से राशि काट कर बकाया राशि वापस नहीं की गई। किसानों के खाते में बकाया राशि बिना किसी शर्त अगले बिल में एडजस्ट करेंगे या अन्य किसी तरीके से परेशान न किया जाए और शीघ्र किसानों के खातों में बकाया राशि वापस डाली जाए एवं उसके अलावा खेत पर बिजली के स्थायी कनेक्शन देने में अधिकारी कर्मचारी हीला हवाले के साथ अतिरिक्त पैसों की मांग करते हैं एवं किसानों को स्थायी कनेक्शन न देकर TC कटवाने के लिए बाध्य किया जाता है। किसानों की जो समस्या हैं बिजली विभाग को लेकर के वो कोई बड़ी ज़्यादा ये प्रशासन हल ना कर पाए ऐसी कोई समस्याएं नहीं हैं। एक CMP पंप योजना की मांग है जो कि किसानों को ट्रांसफार्मर रखवाने में बहुत पैसा लगता है, 25,000 की रसीद में जो रख जाया करता था वो मुख्य मांग है जो मुख्यमंत्री महोदय पूरी कर सकते हैं। बाकी जो मांगें हैं जैसे गन्ना क्रेशर अब चालू होने वाले हैं और उन गन्ना क्रेशरों में जो TC की बात है, ऋषिराज जी ने बताया कि TC कनेक्शन का जो पैसा जमा होता है वो 1 साल बाद वापस नहीं होता, जो बच जाता है किसान का, तो वो वापस करने का हमने निवेदन किया है पत्र के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है अब फसलों का सीजन आ रहा है तो जो पानी की बहुत आवश्यकता है और पानी के लिए बिजली की आवश्यकता है। बिजली 4 और 6 घंटे के 2 शिफ्टों में 24 घंटे में दे रहे हैं और उसमें से भी अभी बहुत किसानों के फ़ोन आए हैं कि कभी 2 घंटे मिल रही है, कभी 3 घंटे मिल रही है और उसको एडजस्ट नहीं किया जा रहा है। तो ये बुआई वैसे भी लेट बारिश की वजह से लेट हो गई है तो बुआई में बहुत दिक्कत होगी और पूरा जो किसान की फसल है वो प्रभावित होगी। तो हम निवेदन ये करने आए थे कि बिजली की जो समस्या है वो हल की जाए और 6-6 घंटे 2 शिफ्टों में बिजली दी जाए और इस समय की बिजली यदि कट जाती तो अगले शिफ्ट में दी जाए। ये मुख्य मांग थी हमारी।